कैसे अगर किसी को पता चले कि उसे स्कैबिज हुई है? स्कैबिज में जैसे मैंने बताया कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया के पास ज़्यादा खुजली होती है और सारे शरीर में खुजली फैल सकती है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये रात के समय जब आप सोने जाते हैं उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये सब कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारा स्कैबिज हुआ है। अगर बात करें कि लोगों को बहुत सारी धारणाएं भी होती हैं, जैसे आपने बताया कि गुप्तांग से ये खुजली स्टार्ट होती है, ऐसे बहुत सारे संक्रमण भी होते हैं, जैसे लोग फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि अगर उन्हें नॉर्मल गुप्तांग में अगर खुजली हो रही है तो किसी इन्फेक्शन के कारण हुई है या नॉर्मल ऐसी खुजली भी हो रही है और उन्हें स्कैबिज हुई है। देखिए, इसके समाधान के लिए सबसे पहले आप विशेषज्ञ से मिलें। जैसे कि मैंने बताया, ये त्वचा का एक ऐसा रोग है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और इवन इसका नाम भी खुजली है। ये खास करके बहुत संक्रामक होता है, इसलिए इस मरीज के आसपास लोगों को नहीं बैठना चाहिए, उनके वस्त्र नहीं प्रयोग करना चाहिए, और ये सब सावधानियां बरतने से होगा कि आप इससे बच सकते हैं अगर किसी को हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी तरह की किसी समस्या से जूझते हैं तो जा करके उसके विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलें, वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्पत इसके कि हम खुद इलाज करें। तो अगर टेस्ट की बात करें तो इसमें टेस्ट भी किस तरह के होते होंगे? देखिए, टेस्ट वगैरह की इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप मिलिए और उसके सिम्टम्स जो होते हैं वो देख करके पता चल जाता है कि ये स्कैबिज है। जैसा कि आपने बताया कि ये दूसरों को भी फैल सकता है, इसे कोई सामान अगर कोई यूज़ कर रहा है जिसको स्कैबिज हुई है तो दूसरे इस्तेमाल ना कर सकते हैं। तो अगर विशेषज्ञ के पास कोई जा रहा है तो वो कितने समय तक उसका इलाज चल रहा है चलेगा? देखिए, इलाज में डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आए हैं। अगर आप जल्दी आए हैं तो आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिलने की संभावना रहती है, लेकिन आपने काफ़ी देर कर दिया है तो इससे हो सकता है कि एक्जमेटाइजेशन वगैरह डेवलप कर गया, तो वो उससे बचने के लिए बेहतर है कि आप जल्द से जल्द इलाज शुरू करें और 15 दिन से एक महीना के बीच में ये आराम हो जाता है। अगर जैसे किसी को अगर ये समस्याएं हुई है, स्कैबिज हुई है, तो क्या उन्हें फ्यूचर में उसे दोबारा ये परेशानी हो सकती है इलाज के बाद? देखिए, परेशानी तभी हो सकती है जब दोबारा संक्रमण लगे या आपका पूर्णतः इलाज नहीं हुआ हो और बीमारी खत्म नहीं हुई हो और आपने दवा बंद कर दिया हो, इन परिस्थितियों में दोबारा हो सकती है ये। घरेलू तौर पर देखा जाए तो अगर कोई मरीज स्कैबिज का है तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे भारत में ही है, अब भारत की क्या बात करें, बिहार की बात कर ले, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले घरेलू नुस्खा आजमाते हैं और वो घरेलू नुस्खों पे बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते हैं। तो वो किस तरीके के, अगर घरेलू इलाज करवा रहे हैं, डॉक्टर से के संपर्क में हैं, तो घरेलू तौर पर वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं? घरेलू तौर पर से बचने के लिए वैसे हम लोग सलाह भी देते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जितने आपके कपड़े हैं जिन्हें गर्म पानी में धोया जा सकता है वो आधे घंटे तक गर्म पानी में खौलाएँ, और वैसे कपड़े जो आपके धोए नहीं जा सकते हैं, जैसे हुआ आपका गद्दा हो गया, आपका तकिया हुआ, तो इसे 10 दिन तक कड़ी धूप में रोज सुखाएं। ये परहेज का बचने का सबसे अच्छा उपाय है, और अगर साथ में कोई रहने वाले हैं तो उन लोगों को भी अपने कपड़ों को इसी तरीके से साफ करना चाहिए। खान पान में भी देखा जाए तो खान पान में भी किसी तरह की बदलाव करने की ज़रूरत है अगर स्कैबिज के मरीज है तो? नहीं, खान पान के बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो नियमित रूप से पौष्टिक भोजन करते हैं वो करना चाहिए। साफ़ सफाई की बात कर लेते हैं कि अगर किसी को ये समस्या हो रही है तो वो साफ़ सफाई कितना इसमें मैटर करता है कि बेहतर तरीके से होना चाहिए? साफ़ सफाई तो निश्चित रूप से बेहतर होना चाहिए किसी भी बीमारी के लिए, इसमें क्या, आप उससे बहुत सारे बीमारियों से जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे आप बच सकते हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।